भारतीय ऑटो बाजार में एसयूवी सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में भी मिनी, कॉम्पैक्ट, सब 4 मीटर और फुल साइज एसयूवीज शामिल है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कारों का दबदबा है। वहीं कॉम्पैक्ट और सब 4 मीटर सेगमेंट में टाटा नेक्सन काफी लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर कायम थी। हालांकि इस बार मारुति की ब्रेजा ने टाटा नेक्सन को काफी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2022 के बाद ये दूसरा मौका है जब ब्रेजा ने नेक्सन को पिछाड़ा है। पिछले महीने ब्रेजा की 15,787 यूनिट्स और नेक्सन की 13,914 यूनिट्स बिकी थी, यानी दोनों के बीच 1,873 यूनिट्स का अंतर था। इन दोनों एसयूवीज के पास 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर भी शामिल है। मारुति ब्रेजा पड़ी सभी पर भारी। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में इस बार मारुति ब्रेजा ने सभी मॉडल्स जैसे टाटा नेक्सन, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 300 और निसान मैग्नाइट के साथ रेनो काइगर को भी पिछाड़ दिया है। ब्रेजा की पिछले महीने 15,787 यूनिट्स की बिक्री हुई थी और इसे 70.56% की ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की 13,914 यूनिट्स बिकी, इसे 13.50% की ईयरली ग्रोथ मिली। ह्यूंडई वेन्यू की 9,997 यूनिट्स की बिक्री हुई, हालांकि इसे महज 2.11% की ही ईयरली ग्रोथ देखने को मिली। वहीं बात करें किया सोनेट की तो इसके पिछले महीने 9,836 यूनिट्स की बिक्री हुई और इसे इसी के साथ 59.83% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं टॉप 5 में महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी शामिल रही, इसकी 3,809 यूनिट्स की बिक्री हुई, हालांकि इसे 15.56% की ईयरली ग्रोथ ही देखने को मिली। ब्रेजा की 61,500 बुकिंग पेंडिंग। मारुति सुजुकी के लिए सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम के चलते हमने पिछली तिमाही में 46,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मॉडल्स की बुकिंग पेंडिंग होती जा रही है। अब तक कंपनी के पास 3.69 लाख यूनिट्स पेंडिंग है, जिसमें ब्रेजा की 61,500 यूनिट्स है। ब्रेजा का इंजन और ट्रांसमिशन। न्यू ब्रेजा में न्यू जनरेशन के सीरीज 1.5 डुअल जेट VT इंजन दिया गया है। ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है और ये इंजन 103 HP की पावर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में कैपेबल है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अब बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वेरिएंट 20.15 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक वेरिएंट 19.80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। ब्रेजा को 4 ट्रिम्स LXi, VXi, ZXi और ZXi में लॉन्च किया गया है।